the red team! हाँ सर, वही लाल पीला हरा वाला पिंग जो कि आपको कॉर्नर में साइड में दिखता है जब भी आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो या कोई भी ऐसी ऑनलाइन गेम्स जो आप खेलते हो। पिंग पता सबको है, सबको पता है कि ग्रीन जोन में रहना है, भले ये ना पता हो कि पिंग होता क्या है, बट हमें रहना है ग्रीन जोन में, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। और आज की वीडियो भी इससे डेडिकेटेड है, क्योंकि आप चाहते नहीं होंगे कि आपके साथ भी ऐसा हो। आपने पहले लूट देखी और पूरा लूट कोई और पोछा मार के ले गया। सो इस ट्रेजेडी से बचने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, और मैं तो कहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अंत में आपको टाइम नहीं मिलेगा, सच कह रहा हूँ, कि आपकी पिंग लो आ जाएगी, आप गेम खेलने बैठ जाओगे। आज मैं दो मेथड बताऊँगा, और दोनों मेथड ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, दोनों लिंक है एक दूसरे से। सो एक मेथड करोगे तो दूसरा करना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा और पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और फिर आप मुझे कोसोगे। सो दोनों मेथड को करना, और इसलिए आपको वीडियो पूरे अंत तक देखना, क्योंकि दूसरा मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला मेथड या ये वाली वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये यूनिवर्सल है, ये आप किसी भी नेटवर्क पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया, कोई भी नेटवर्क हो, आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो और सारे नेटवर्क पर ये काम करेगा। पहला मेथड जो है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और हाँ ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसका नाम है नेटगार्ड। आप सर्च करके प्ले स्टोर में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे अब ओपन करता हूँ। नाउ आपको जो भी स्क्रीन पर दिखता है उसे एग्री करते जाइए, कुछ परमिशंस अगर होगा अलाउ करने का तो उसे अलाउ कर दीजिए। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ऐप्स है ये मेरे सिस्टम में, मतलब मेरे स्मार्टफोन में ये सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड है, और ये सारे ऐप्स आपका डेटा यूज करे, या तो वाईफाई या सेलुलर डेटा। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली वो सारे ऐप जो आपका सेलुलर डेटा यूज करते हैं, आपको लगता है कि मैक्सिमम जो भी डेटा है वो कंज्यूम करते हैं, उसके कारण आपका जो इंटरनेट है वो डिवाइड हो जाता है सारे ऐप्स में, तो उन सारे ऐप्स को आप सेलुलर या वाईफाई डेटा को ऑफ कर दें। तो ऐसे आप ऑफ करना है तो सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करते जाना है, इस पर ये कट होता जाएगा उनका। तो इसी तरह आपको सारे ऐप्स को कट करना है, एक्सेप्ट जो गेम आपको खेलना है उसको छोड़कर सारे ऐप्स को आपको डिसेबल कर देना है इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन से, ताकि वो आपके गेम खेलते समय वो डेटा आपका कंज्यूम ना करे। और ये तब तक डिसेबल रहेगा जब तक आप यहाँ से इसे इनेबल नहीं करते। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इनेबल डिसेबल का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अगर आप इनेबल कर देते हैं और ये जो परमिशन है इसे ओके कर देते हैं, लाइक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर मांगता है, तो अगर आपके पास बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है तो वो रिकमेंड करता है कि आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल कर ले। वेल, मेरे पास नहीं है कोई ऐसी ऑप्टिमाइज, तो मैं इसे बैक जाता हूँ। अब ये है ना यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, और आपको अगर देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ऐप्स यहाँ पर ब्लॉक्ड है, कितने अलाउड है। अभी मैंने नो ही किया है, लेकिन आपको पूरा करना होगा ऐप्स। सो पूरे ऐप्स को आप ब्लॉक कर दे और एक्सेप्ट जो गेम आपको खेलना है उसको इनेबल रखें, ताकि आपका इंटरनेट केवल उसी गेम के लिए जाए। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और ये दूसरा जो मेथड है इसमें मैं आपको न्यू VPN सेटिंग बता रहा हूँ, तो इसके लिए सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में चलते हैं, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है आपके मोबाइल वेरिएंट के अनुसार। अगेन, जिससे आपका डेटा ऑन है, लाइक मेरा दो नंबर सिम से डेटा ऑन है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम में जाते हैं, तो ये वाला जो है ना मैंने अभी ऐड किया है न्यू VPN। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये तीन होंगे नहीं, आपके पास एक नॉर्मल ये वाला रहेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो आपको क्या करना है न्यू VPN में जाना है। सो यहाँ पर सबसे पहले नेम में जाना है, आपको नेम रखना है गेमिंग एक्स, गेमिंग में जी कैपिटल में होना चाहिए और एक्स कैपिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको VPN में टाइप करना है LTE, ठीक है। नाउ प्रॉक्सी को बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वही रहने दे, नॉट सेट है तो नॉट सेट रहने दे, डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट रहने दे, पोर्ट को भी नॉट सेट या डिफ़ॉल्ट रहने दे। नाउ हम आते हैं यूजर नेम में, यूजर नेम में आपको रखना है @xpronet, सारे स्मॉल में होना चाहिए। नाउ पासवर्ड को नॉट सेट या डिफ़ॉल्ट रहने दे। सर्वर में आते हैं, सर्वर में आपको लिखना है www.google.com,
गूगल में जी कैपिटल में होना चाहिए। एमएमएससी को नॉट सेट रहने दे, एमएमएस प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने दे, एमएमएस पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दे, एमसीसी और एमएनसी को तनिक भी ना छेड़े क्योंकि ये आपका एरिया कोड होता है, ये अगर डिफर हो गया तो हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन भी चला जाए, इसको डिफॉल्ट जो भी है रहने दे। अब ऑथेंटिकेशन टाइप में बाय डिफॉल्ट या पीएपी सीएचएपी होगा सिलेक्ट या नन होगा, तो आपको पीएपी और सीएचएपी में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ एपीएन टाइप में, एपीएन टाइप में जो है उसे डिफॉल्ट रहने दें। एपीएन प्रोटोकॉल में आपको बाय डिफॉल्ट या तो IPv4 होगा या IPv6 होगा, तो आपको IPv4 IPv6 वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला उसे सिलेक्ट कर लेना है। नाउ हम आते हैं बियरर में। बियरर में बाय डिफॉल्ट अनस्पेसिफाइड रहता है, तो आपको क्या करना है, अगर अनस्पेसिफाइड है तो इसको डीसेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सारे जो भी है ना ऑप्शन सबको सेलेक्ट कर लेना है। अगर ये ऑप्शन किसी भी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो एक ऑप्शन जो LTE सबके मोबाइल में रहता है उसको तो आप ऑन करके ही रखिएगा। नाउ MVNO टाइप में, इसमें भी नन रहने दे या डिफॉल्ट जो भी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है और आपको जाके मोर में जाके इसे सेव कर लेना है और आपका सेटिंग जो भी है सेव हो जाएगा उस नाम से, ठीक है। इस तरह का आपको, और आपको अब इसे इनेबल करना है, सिंपली इसे क्लिक करना है और ये आपका इनेबल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद पहले आपका इंटरनेट जाएगा, फिर कनेक्शन आ जाएगा और वो इनेबल हो जाएगा। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।